शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरजा शृंगारिणे नद्य शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिने नागैः कंकणिने नगेन गृहिणे नाथाय सेयन्नतिः शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निरवाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शंभुफणेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वृंदावनेश्वरमुकुंदमनोज्ञवेश वंशी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव व्रजोत्सव भक्तिवश्य देवेश पांडवपते मम देहि दास्यम् नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामत अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्री
कोवुन पालनहार दीन पात की श्रवण कोवुन पालनहार। जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम लाल के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात, परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणारविंदों में बारंबार वंदन, परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की अनुराग वर्धनी गाथा से अनुराग रखने वाले पूज्य रामायणी जी महाराज, हमारे जीवन धन गोविंद की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दीदार करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। चाहे वैष्णो दर्शन हो, यह साक्त दर्शन हो या गाढ़पत्य दर्शन हो, अथवा द्वैत दर्शन हो, सभी दार्शनिकों का इसमें एक मत है कि परमात्मा हमारे अंतःकरण में विराजमान है, वह परमात्मा हमें मिले, परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त की ही प्राप्ति है। जो परमात्मा हमें सहज सरल ढंग से सुलभ है, किंतु वह हमारी आंखों का विषय नहीं बन पाता है, हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, हम उसका दीदार नहीं कर पाते, तो वह परमात्मा हमारी दृष्टि का विषय बने। इसके लिए आवश्यकता है प्यास की। कभी निश्चित रूप से अंतःकरण में पीड़ा होनी चाहिए कि जाने कितने जन्म बीत गए, ऐसे जन्म समूह सिराने, जन्मों के समुदाय है, एक नहीं हजारों जन्म लाखों जन्म बीत गए, किंतु अभी जिनका दीदार होना चाहिए उनका दीदार हुआ नहीं। हमारे हृदय में भूक उठे, हमारे हृदय में उनको पाने की पीड़ा उठे, उस पीड़ा का नाम आप जिज्ञासा भी रखो तो मुझे कोई इतराज नहीं है, दीदार की इच्छा रखो भी तब भी कोई इतराज नहीं है, होनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के साधन शास्त्रों में अलग अलग ढंग से प्रतिपादित किए गए हैं। नौदा भक्ति के रूप में भी परमात्मा की प्राप्ति का ही साधन है वो, अथवा शास्त्र के सम्मत जो वैधि भक्ति है जिसे साधन भक्ति भी कहा जाता है, उस भक्ति का भी प्रतिपादन है। और जो रागानुगा भक्ति है उस भक्ति का भी प्रतिपादन है। रागानुगा का अभिप्राय है दूसरे के राग को देखकर हमारे चित्त में भी राग का संचार हो जाए, इसका नाम रागानुगा है, राग का अनुगमन करने वाली। तो निश्चित रूप से यदि किसी प्रेमी का हम चयन नहीं करेंगे तो हमारे अंतःकरण में भी प्रेम का संचार नहीं होगा। हमारे महर्षि एक वाक्य बहुत अच्छा बोलते, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वाक्य,
यदि हमारी दृष्टि में एक भी महद पुरुष को हम स्वीकार नहीं कर सकते तो कभी हमारे अंतःकरण में महद गुण नहीं आ सकते। हमारी दृष्टि में कोई न कोई महद पुरुष होना चाहिए जिससे हम माने कि ये महद पुरुष है। ऐसे ही हमारा भी कोई न कोई आराध्य का ढंग होना चाहिए, आराधना का क्रम होना चाहिए, साधन का ढंग होना चाहिए, साधन का क्रम होना चाहिए। तो हम किसी न किसी अनुरागी को देख करके, प्रेमी को देख करके अपने हृदय को भी प्रेम रंग में रंग लेते हैं। ब्रजांगनाएं तो प्रेम ध्वजा हैं, प्रेम पताका है, जो प्रेम जगत में सदा सर्वदा उनकी महिमा फहराती रहेगी। आओ हम सब मिलकर के अपने अंतःकरण को कृष्ण अनुराग से रंगने के लिए उस पावन पवित्र भावभूमि में हम प्रस्थान करें जहां हमारे श्री उद्धव जी महाराज गोपांगनाओं से परिथा घिरे हुए हैं। कई आचार्य चरणों ने तो यह भी वर्णन किया है कि गांव गांव से गोपियां दौड़ दौड़ करके आ गईं। उनको पता है कि प्रीतम का कोई संदेश लेकर आया है, प्रीतम का कोई पत्र लेकर आया है। तो ये गोपियां पढ़ी लिखी तो हैं नहीं, तो चारों तरफ से श्री उद्धव को घेर करके, उचक उचक करके उद्धव से बार बार पूछती, हमें को कहा लिखो है उद्धव, हमको कहा लिखो है, हमारे बारे में प्रीतम ने क्या लिखा है, हमको क्या संदेश दिया है। ये हमारे श्री रत्नाकर जी के द्वारा भाव अभिव्यक्त है। यहां तो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोपांगनाओं ने श्री उद्धव जी महाराज से जो सहेतुक प्रेम होता है, जो हेतु पूरा हो जाने के बाद पूरा हो जाता है, उसके कई उदाहरण दिए। और उदाहरण देने के बाद कहा कि हमारा प्रेम तो कोई सहेतुक था नहीं, तो प्रीतम हमें कैसे भूल गया। इति गोप्यो ही गोविंदे गत वाक काय मानसाहा। उद्धव जी महाराज से प्रश्न पूछ रही थी और पूछते पूछते गोविंद के चरणों में मानो सब कुछ समर्पित हो गया, उनकी वाणी समर्पित हो गई, उनका मानस समर्पित हो गया, उनकी काया समर्पित हो गई। गत वाक काय मानसाहा। कृष्णे दूते ब्रजम याते उद्धवे त्यक्त लौकिका। श्री उद्धव जी महाराज को श्री कृष्ण का दूत समझ करके कि उनके द्वारा भेजे गए हैं, उनकी लौकिक क्रियाएं शिथिल हो गईं। और लौकिक क्रिया शिथिल होने के साथ साथ करती क्या हैं, गायन्त्यः प्रिय कर्माणि रुदंतस्य गतघ्रियः। श्री कृष्ण के गीत गा रही हैं वाणी से। और कई गोपियां रो भी रही हैं अथवा कभी कभी गाने लगती हैं, कभी कभी रोने लगती हैं। अब इन गोपांगनाओं की लज्जा चली गई। गतघ्रियः। नारायण, मैं निवेदन करूं कि माताओं की जो लज्जा है, ये लज्जा आभूषण है, दूषण नहीं है। लज्जा होनी चाहिए।
लज्जा के कारण हम कई चीजें अपने जीवन में संभाल भी पाते हैं, कई दुर्गुणों से हम बच भी जाते हैं। लज्जा का परित्याग कर देना कोई आभूषण नहीं, दूषण ही है। आजकल कई माताएं हमारी समझती हैं कि लज्जा से हमारी उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। हमारी बहनों को तो ये बहुत है, हमको बाहर काम करना है, हमको ऐसा करना है। नारायण, ये आभूषण है, इससे उन्नति होती नहीं, उन्नति होती है। किंतु गोपांगनाओं के जीवन में गोपियों ने लज्जा छोड़ी नहीं, ह्रियः गतः, लज्जा अपने आप उनका साथ छोड़कर चली गई। वो लज्जा का परित्याग करना नहीं चाहती थी कि हम लज्जा को छोड़ दें, लज्जा ने ही उनका परित्याग कर दिया। लज्जा विचार करने लगी कि यदि यहां भी रहूंगी तो यहां रह करके अपने जीवन को सफल नहीं करूंगी, यहां इनका त्याग करके सफल होगा हमारा जीवन। और महाराज, लज्जा गई तभी लज्जा जाने के कारण अब सास की परवाह नहीं रही, ससुर की परवाह नहीं रही, पति की परवाह नहीं रही, बच्चों की परवाह नहीं रही, समाज की परवाह नहीं रही कि कोई क्या कहेगा। किसी की इनको परवाह नहीं है। और ये करती क्या है? तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यान कैशोर वालयो हो। बार बार श्री कृष्ण का स्मरण आता है, श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण आता है, कैशोर अवस्था की लीला का स्मरण आता है, बाल लीला का स्मरण आता है। और जो जो लीला इनको स्मरण में आती है वो लीला वो गाने लगती है। उन्होंने, हमने तो माताओं को देखा है, हमारी माताएं तो आस कवि होती हैं। अब पता नहीं आप लोग जहां के हैं वहां ये दर्शन आपको हुआ हो या ना हुआ हो, इनका रोना भी स्वर में होता है, गाना भी स्वर में होता है, चलना भी ताल में हो, और कविता तो इतनी बढ़िया करती हैं। हमारा शरीर जहाँ का है वहाँ शादी ब्याह में माताएं जब बराती भोजन करते हैं तो माताएं गीत गाती हैं, गाली गाती हैं, और वो जब गाली गाना प्रारंभ करती हैं तो पता नहीं कैसी कविता उसमें महाराज, लड़की के सास ससुर भाई सब के नाम आ जाते हैं। पता नहीं कहाँ कैसे, उनकी सब जानकारी भी उनकी होती है कि वो क्या करते हैं, कैसा स्वभाव है, और सब गा देती हैं। अभी हमारी एक बार मध्य प्रदेश में कथा थी, तो रुक्मिणी ब्याह के दिन जब मैं प्रसाद पाने के लिए बैठा संतों के साथ, विद्वानों ब्राह्मणों के साथ, तो वहाँ की पूरे गांव में कथा थी, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में, तो सारी मोहल्ले की माताएं वहाँ की भाषा में गाली गाने बैठी। मैं प्रसाद पा रहा था और वो गाली गा रही थी। मैं बड़े गौर से सुन रहा था उनकी गाली धीरे धीरे की गा क्या रही हैं। मैं आश्चर्यचकित हुआ कि महाराज कब वो रामलीला से कृष्णलीला में पहुंच जाती हैं, कब कृष्णलीला से रामलीला में पहुंच जाती हैं, उनका स्वर नहीं बदलता है। और यदि सावधानी से सुना न जाए तो ये भी पता नहीं चलेगा कि ये गा क्या रही हैं। उनको तो रस मिलता है गाने का, किंतु सावधानी से सुना जाए तब बीच बीच में रामलीला की गीत गाने लगे, फिर कृष्णलीला के गीत गाने लगे, और वो गान पूरा होने वाला नहीं था। मैं एक घंटे तक सुनता रहा, मुझे लगा कि ये माताएं कम से कम हमको 5-6 घंटे 6 घंटे बैठ के सुनती हैं, तो आज मैं भी इनको सुनूं कुछ थोड़ी देर। तो एक घंटे तक मैं सुनता रहा, बैठे बैठे धीरे धीरे खाता रहा, और उनका स्वर धीमा नहीं हुआ,
ताल बदला नहीं उनका, एक स्वर एक ताल में उनके गीत चलते रहे और बीच बीच में नाम आदि भी लेती रही। तो मुझे लगा कि भगवान की विशेष इनको देन है कि अनपढ़ अपठित माताएं भी गीत गा लेती हैं, गीत गा ही नहीं लेती, गीत बना भी लेती हैं। तो महाराज ये कैसोर बालयो हो, किशोर अवस्था की लीला और बाल लीलाओं को, दोनों लीलाओं को गाती हैं, कभी किशोर अवस्था की लीला गाती हैं, कभी बाल लीला गाती हैं, जो जो लीला उनके चित्त में है, जिस पर बहुत उनका अनुराग है, वो गीत गा रही हैं। और जब महाराज गाते गाते एकदम ये खड़ी हो गई और श्री कृष्ण को पुकारने लगी, हे कृष्ण, हे देव, हे दैत, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो। श्री कृष्ण को पुकारते पुकारते उबा ऐसा लगा कि मथुरा की ओर गमन कर पड़ी सब। उद्धव जी महाराज को लगा कि मथुरा की ओर क्यों जा रही हैं। थोड़ी देर तो उन गोपांगनाओं का अनुगमन किया, पीछे पीछे श्री उद्धव जी महाराज चले और जाकर के देखा क्या कि एक निकुंज में एक स्वर्ण लता सी गोपी मूर्छित पड़ी है। गोपांगनाओं ने परिता चारों तरफ से उस गोपी को घेर लिया। वह गोपी कोई दूसरी नहीं, श्री किशोरी जी हैं, श्री राधा रानी हैं। श्री किशोरी जी ने गोपांगनाओं को कहा कि अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गई, अब हमारे शरीर को यमुना किनारे ले चलो और वहां यमुना की रेत हमारे शरीर में डाल करके तुम सब बैठ करके जीवंधन गोविंद का संकीर्तन करो, उनके नाम का संकीर्तन करो। अब ये शरीर रखने का प्रयोजन समाप्त हो गया है। शरीर इसलिए था कि शरीर से श्री कृष्ण की सेवा हो, ये उनके काम आ सके। किंतु अब इस शरीर से उनकी सेवा होना संभव नहीं है, उनको हमारी सेवा स्वीकार नहीं है हम। और जब अपने प्रीतम की सेवा के काम का ये शरीर नहीं है तो अब शरीर रहने का प्रयोजन भी नहीं है। हमारे ब्रज में एक गांव में एक बंगाली संत थे, हमारे श्री आदरणीय पुरुषोत्तम धानुका जी के माध्यम से उनका हमको दर्शन मिला, कलकत्ता के थे। और आज से 40 साल 50 साल पहले उनकी डॉक्टर थे, फीस थी उनकी 100 रुपया। किंतु सब कुछ छोड़ करके वो गौड़ेश्वर संप्रदाय के संत हुए। गांव में खेत में रहते थे, हमको वो लेकर के गए उनके समीप। संयोग उस समय उन्होंने भोजन त्याग दिया था और भोजन नहीं लेते थे और कहा कि अब हम शरीर छोड़ देंगे। क्यों शरीर छोड़ दोगे? बोले अब इस शरीर से भजन नहीं होता है, शरीर को सुरुग्ण हो गया था। बोले भजन नहीं होता है तो केवल भोजन करके क्या जिएंगे, और सेवा भी नहीं होती है। उनके परंपरा के आचार्यों ने उनको बहुत समझाया कि ऐसे शरीर त्याग करना उचित नहीं है, हमको लगता है 15-20 दिन तक बिना भोजन के पड़े रहे। बाद में श्री किशोरी जी ने उनको कहा
कि बाबा ये उचित नहीं है, तो फिर उनकी आज्ञा मान करके प्रसाद लेने लगे सामान्य ढंग से। मैं कई बार उनके साथ रात में भी रहता था गांव में, वो हमसे पूछते थे कई बार, मैं अकेले जाता था तो पूछते थे तुम क्या करते हो, तो मैं कहता था कि बाबा मैं भागवत का विद्यार्थी हूँ, भागवत पढ़ता हूँ। और रात्रि में कई बार वो ऐसी रसीली लीला सुनाते थे जो हमने आज तक कभी सुनी नहीं है, आधी हिंदी आधी बंगाली, किंतु उनके झरझर झरझर आंसू बहते थे। एक बार जून का महीना था, हमारे आश्रम में भागवत की कथा चल रही थी और मुझे कथा के बाद तुरंत जाना था, तो मुझे लगा कि मैं बाबा के दर्शन करके आऊं। भयंकर गर्मी थी, दोपहर में मैं दर्शन करने के लिए बाबा के गया तो बाबा खेत में चल नहीं पाते थे, घुटनों के बल, न महाराज कोई एक साफी लपेटे थे, घुटनों के बल वो खेत में पानी लगा रहे थे, कुछ पुष्प लगे थे। तो हमने कहा कि बाबा यहां कैसे, तो बोले हमारी लाली ने कहा कि हमको गर्मी ज्यादा लगती है और तुम हमको पुष्प नहीं देते हो तो मैं पानी लगा रहा हूं कि इससे पुष्प निकलेंगे। फिर मैं गोद में उठा कर, क्योंकि चल नहीं पा रहे थे, उनके स्थान पर लाया। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता था कि उस महापुरुष को जीवन को बहुत अंतरंगता से मैंने देखा और उनकी जो जीने का ढंग था, कोई कपड़े नहीं, कोई महाराज कोई गद्दा नहीं, एक चटाई में बैठे रहते थे और कहीं जाना नहीं, किंतु उनके साथ बैठ करके पता नहीं मुझे बहुत रस मिलता था। सेवा तो कोई लेते नहीं थे वो, किंतु चटाई में बैठे हो सामने बोरा डाल करके मैं भी बैठा होता था, कभी लेट लेता था। किंतु उस गांव के बच्चे ने, एक बार मैं वहां उतरा टेम्पो से, तो गांव का कोई बच्चा था जो हमारे आश्रम में कभी नौकरी की थी, वो हमको पहचान गया और बाबा से कह दिया कि तो अखंडानंद आश्रम के महंत हैं, महाराज मैं एक दिन रात्रि में पहुंचा दोबारा। बाबा ने बहुत डांटा और बाबा ने डांट करके कहा कि मैं महंत और मंडलेश्वरों से दूर रहता हूं, तुमने हमको झूठ बोला, और झूठ बोल करके कहा कि मैं तो भागवत का विद्यार्थी हूं, आज के बाद तुम हमारे पास कभी नहीं आओगे और अभी जाओ। उसके बाद वहां कोई टेम्पो आदि के साधन थे नहीं, हमने बाबा कहा, हमने कहा बाबा मैंने झूठ नहीं बोला आपके सामने, मैं सचमुच में भागवत का विद्यार्थी हूं और जब तक जीऊंगा तब तक विद्यार्थी रहूंगा, मैं विद्यार्थी के आधार पर ही भागवत की आराधना करता हूं और मैंने अपने को कभी महानता आदि मानने की तो गलती बहुत बाद की है, मैं आज तक अपने को साधु ही नहीं मान पाया हूं, भेष तो पहन लिया है किंतु मैं हृदय से अपने को स्वीकार नहीं कर पाया हूं कि मैं सन्यासी हूं। मैं रो पड़ा, बाबा ने बड़े प्रेम से कहा कि लोग तो ऐसा कहते हैं, हमने कहा लोग क्या कहते हैं वो हमको नहीं पता है। तब बाबा ने फिर बैठाल करके बड़े प्यार से, हम तो डॉक्टर बाबा ही कहते थे, कभी नाम भी पूछा नहीं उनको। कई किशोरी जी की बड़ी अद्भुत अद्भुत लीला सुनाई और ये जो भाव जो मैं भी आपके सामने जिस श्लोक को उच्चारण करने जा रहा हूं, जिस महादशा में श्री किशोरी जी हैं उस दशा का वर्णन किया, पहली बार मैंने उनके मुख से ये भाव दशा का वर्णन सुना था कि ऐसी भी कोई भाव दशा होती है
जिस भाव दशा में प्रेमी पहुंचने के बाद उसकी ऐसी दशा हो जाती है। उन्होंने बताया कि श्री किशोरी जी ने सखियों को कहा कि परिताह हमारे शरीर में रेत डालकर तुम बैठ कर कीर्तन करो, और अब कीर्तन कर सुनते सुनते उनका नाम लेते सुनते सुनते इस शरीर का मैं परित्याग कर दूंगी। तो ललिता सखी ने किशोरी जी को संभाल करके कहा कि श्यामाजू, अगर शरीर के परित्याग से प्रीतम मिलता हो तो हम भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर प्रीतम के मिलने का रास्ता केवल शरीर का त्याग है, उस पथ पर चलने के लिए मैं भी तैयार हूं। श्यामाजू ने कहा कि सखी, उपरोहतानी ने एक बात कही थी, शायद तुम्हें भी स्मरण में होगी। उसने कहा था, अंते या मति सागति, मरण के समय जो स्मरण होता है, मरण के समय जो याद आता है, या मरण के समय हमारी चित्तवृत्ति जैसी बन जाती है, जीव की वही गति होती है। तो जब ये शरीर से प्राण निकलने लगेंगे तब मैं चिंतन करूंगी कि शरीर में जो पृथ्वी तत्व है, वह पृथ्वी तत्व जाकर के वहां उस पृथ्वी में मिल जाए जहां श्री कृष्ण चलते हैं, पादप विन्यास करते हैं। तो कम से कम जब वो चलेंगे तो उनके चरणों का स्पर्श करके मैं धन्य हो जाऊंगी। इस शरीर में जो जल तत्व है, मैं प्रार्थना करूंगी विधाता से कि वो जल तत्व उस जल में जाकर के मिल जाए जिस जल में वो स्नान करते हैं। तो यदि वह स्नान करने लगेंगी तो कभी न कभी तो हम भी उनके शरीर का स्पर्श पा लेंगी, उनके अधर का स्पर्श पा लेंगी, उनके वक्षस्थल का स्पर्श पा लेंगी, उनके भुजाओं का स्पर्श पा लेंगी। इस शरीर में जो अग्नि तत्व है, मैं प्रार्थना करूंगी कि वो अग्नि तत्व जाकर उस दर्पण में मिल जाए जिस दर्पण में हमारा प्रीतम अपना मुखचंद्र निहारता है। यदि वो खड़े होकर अपना श्रृंगार करेंगे, अपना मुखचंद्र देखेंगे, तो मैं भी उनको निहार लिया करूंगी, क्योंकि दर्पण के सामने, आईने के सामने तो जरूर वो आएंगे ही आएंगे। वायु तत्व जाकर के वहां मिल जाए जहां वो विश्राम करते हैं, तो कोई ना कोई हमारी सखी व्यजन करेगी, पंखा करेगी, तो मैं भी उनके शरीर का स्पर्श कर सकूंगी। और इसमें जो आकाश तत्व है वह उस जगह जाकर मिल जाए जहां वो अवकाश प्राप्त करते हैं, विश्राम करते हैं, शरीर निश्चित रूप से उनकी सेवा में समर्पित हो जाएगा। जीवित जीवित तो नहीं, मरने के बाद ही सही। साहित्य में मैंने अध्ययन किया था एक पक्षी के बारे में, जिस पक्षी का नाम है चकोर। तुलसीदास जी महाराज ने चकोर के प्रेम को सराहा है। चकोर का प्रेम ऐसा होता है कि जिस समय चंद्रोदय होता है और जब तक चंद्र अस्त न हो जाए, तो वह निर्निमेष दृष्टि से अपने प्रीतम को निहारता रहता है। अभी भारत में तो बहुत कम है ये पक्षी, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है वो, जैसे हमारे यहाँ हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऐसे उनके यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है चकोर। मैंने ये भी पढ़ा था, सुना भी था गुरुजनों से कि चकोर का सबसे प्रिय आहार अंगारा है। अंगारा उसके सामने यदि डाल दो तो इतने
आतुरता के साथ उस अंगारे को खाता है, आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैंने कभी चकोर पक्षी का दर्शन भी नहीं किया था, केवल पढ़ा पढ़ा था। नेपाल में एक जगह हमारी गांव में नेपाल के बिल्कुल हमारी कथा थी, कुछ स्वास्थ्य ढीला हुआ तो एक डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए, तो डॉक्टर के आंगन में एक पक्षी घूम रहा था जो कभी मैंने देखा नहीं था। मैंने पूछा ये पक्षी कौन सा है, तो कहा महाराज ये चकोर है, वो हमारी पत्नी ने पाल रखा है। संयोग से वो माता जी उनकी धर्मपत्नी कथा में आती थी, तो मेरे मन में आया कि परीक्षा करें अंगारा खाता है कि नहीं। पत्थर का कोयला उनके घर में था। मैंने दूसरे दिन कहा कि दोपहर में जब कथा पूरी होगी तो आप सेवक को कह देना, उनको ये नहीं बताया कि मैं आपके पक्षी को खिलाने वाला हूँ अंगारा। संयोग से अंगारा तैयार हुआ, मैंने चिमटे से पकड़कर जो अंगारा उस पक्षी के सामने डाला, वो ऐसे झपटा कि एक मिनट भी नहीं लगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, बड़ा कोयला था, और एक एक करके निगलना प्रारंभ किया। ये पक्षी अंगारा खाता क्यों है, कारण क्या है? हमारे ऋषियों ने चिंतन किया कि इसके खाने का कारण यही है। उससे किसी ने पूछा कि तुम अंगारा क्यों खाते हो, उसने कहा हमारा प्रीतम इतनी दूर रहता है कि मैं उड़कर उसके पास जा नहीं सकता और वो हमारे पास आ नहीं सकता, किंतु मुझे एक खबर मिली है। क्या खबर मिली है? खबर ये मिली है कि भगवान शंकर के मस्तिष्क में चंद्रमा का निवास है, वो अपने श्रृंगार के रूप में चंद्र को संभाल करके रखते हैं, और उनको मुर्दे की राख बहुत प्रिय है। तो अपने शरीर को जला करके हम राख कर देंगे और भगवान शंकर कभी इस पथ से निकलेंगे, इस रास्ते से निकलेंगे, और हमारी राख को लेकर के अपने शरीर में लगाने लगेंगे, तो हाथ यदि घूम जाएगा तो हम अपने प्रीतम से मिल लेंगे। जिंदा जिंदा नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम मरण के बाद तो उनके अंग का संग मिल जाएगा, उनका स्पर्श तो मिल जाएगा। इस प्रकार के भाव श्री किशोरी जी जी रही थी। अकस्मात उनको आकाश मार्ग से एक काक जाता हुआ नजर आया जो मथुरा की ओर गमन कर रहा था। किशोरी जी ने उस काक को संबोधित करके कहा, रे काक, लगता है तुम मथुरा जा रहे हो, और यदि मथुरा जा रहे हो तो यद्यपति को हमारा एक संदेश दे देना। संदेश यह है कि किसी के घर में यदि आग लग जाती है तो गृहपति का सबसे पहला कर्तव्य यह होता है कि उसके घर में यदि पशु बंधे हुए हैं जंजीरों से, रस्सियों से, तो गृहपति दौड़कर जाकर के पहले उनकी रस्सियां खोल देता है, रस्सियों को काट देता है कि कम से कम ये पशु मुक्त होकर के निकल जाएं, जले नहीं। तो श्याम सुंदर को कहना कि उनके घर में भी आग लगी है और ये आग बिरहागिनी की आग है, किंतु ये प्राण पशु इसी में जल रहे हैं और इन प्राण पशुओं को मुक्त न होने का यदि कोई हेतु है तो आपके देव द्वारा दी बांधी गई जंजीर है। अगर आपने इन प्राण पशुओं को जंजीर से बांधा ना होता तो ये प्राण पशु अभी तक निकल गए होते। कौन सा महाराज जंजीर बांधी है? बोले आसार गलम, आशा की जंजीर है। आपने कहा है कि ना मैं आऊंगा,
ये आशा की जंजीर है आपकी, इसी आशा के कारण हमारे प्राण निकल नहीं रहे हैं। अगर आपको आना नहीं है तो इस आशा की जंजीर को काट दीजिए, और यदि आशा की जंजीर कट जाएगी तो निश्चित रूप से ये प्राण पशु शरीर से बाहर निकल सकेंगे। प्राण पशु इसलिए भी प्रयोग कर रही हैं कि सचमुच में पशु ही तो हैं, अगर ये प्राण पशु न होते तो प्रीतम के वियोग में ये शरीर में रहते ही क्यों। ये पशुओं को ही पता नहीं होता है कि हमारा प्रीतम हमसे दूर चला गया है, तो लगता है ये पशु के समान ही हैं। ये आशा की जंजीर कट जाए, कई आचार्य चरण ये भी मानते हैं कि श्री श्यामाजू प्रेम की महादशा में विराजमान है। ये प्रेम की जो दशाएं हैं, प्रेम का जो प्राकट्य होता है, पहले प्रेम में आता है स्नेह, स्नेह बाद में मान बनता है, यही प्रणय बनता है, यही राग बनता है, यही बाद में अनुराग बनता है, यही बाद में भाव बनता है, यही महाभाव बनता है, और महाभाव के बाद रूढ़ भाव और अधिरूढ़ भाव बनता है, और बाद में मदनाख्य भाव में जाकर इस भाव की परिसमाप्ति होती है। ये 10 प्रकार के भावों का वर्णन है। स्नेह भाव कौन सा है, किसका नाम स्नेह है, अभी तो पता नहीं, हम लोग स्नेह भाव में ही पहुंच नहीं पाए हैं। हमारे लिए मान और प्रणय रागानुराग भाव महाभाव की बात तो बहुत दूर है। शायद यहां कोई मान भाव प्रणय भाव के बैठे हों तो मैं तो वंदन करता हूं। इसमें जो स्नेह भाव है, प्रथम स्नेह भाव में क्या होता है, यदि स्नेह भाव में हम विराजमान हैं तो हमको भगवान की कथा रुचेगी, उनकी चर्चा रुचेगी, और उस चर्चा के अलावा कुछ दूसरा हमको रुचेगा नहीं, उनकी सेवा रुचेगी। और नारायण मैं निवेदन करूं, स्नेह के दो विभाग हैं, स्नेह के दो विभाग, एक तो घृत स्नेह है और दूसरा मधुस्नेह है। घृत स्नेह में ये होता है मैं उनका हूं, जब ये भाव आपके चित्त में आने लगे कि मैं श्री कृष्ण का हूं, मेरे ऊपर मेरे प्यारे को छोड़कर किसी का अधिकार नहीं है, मैं यदि किसी का हूं तो मैं अपने आराध्य का हूं, ये जो भाव अपने चित्त में आने लगे, अविनारायण अपने चित्त में पता नहीं क्या क्या आता है कि मेरे ऊपर इसका उत्तराधिकार है, इसका उत्तराधिकार है, इसकी जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी है, हमने तो अपने ऊपर जाने कितने संसारी लोगों की जिम्मेदारी ओढ़ रखी है। हमारे ऋषिक लोग कहते हैं पता नहीं किसका अधिकार है शरीर पर, पत्नी कहती है मेरा है, बेटा कहता है मेरा है, अग्नि कहती है मेरा है, वो भी प्रतीक्षा कर रही कब मरे तो इसको हम अपना भोग्य बनाए। संसार के लोग माता पिता कहते हैं ये मेरी संतान है, मैं उनका हूं, मैं उनका हूं, मैं उनका हूं, कितने कितने लोगों का हूं कुछ पता ही नहीं है। अगर ये मैं उनका हूं, मैं उनका हूं इस भाव से चित्त भरा हुआ है तो जान जाना कि अभी परमात्मा पथ का पथिक ही नहीं हूं, अभी स्नेह भाव में भी हमारा चित्त पहुंचा नहीं है। ये भागो भक्ति, भंजनम भक्ति, भागो भक्ति का अभिप्राय यह है कि जब बंटवारा करना हो ना, ध्यान रखना, तो बंटवारा करते हैं तो संपत्ति में भाई ये बेटे का भाग है, ये बेटी का भाग है,
ऋषिकेश वाला मकान बेटे को देंगे और बंबई वाला मकान बेटी को देंगे, ये जो महाराज भाव आते हैं ना, ये बंटवारा का भाव, तो हमारे चित्त में आए कि हमारे ऊपर यदि किसी का अधिकार है तो केवल हमारे आराध्य का अधिकार है, मैं उनका हूं। जब भी कभी आए कि मैं किसका हूं, हमारे परमादरणी पूज्य श्री मामा जी महाराज, श्रीमन नारायण भक्तमाली जी महाराज एक बात बहुत अच्छी कहते, वो कहते मैं किसी भक्त के घर में जाता हूं तो मैं पूछता हूं कि घर के मालिक कहाँ हैं, घर के मालिक कहाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो बोले जो संसारी लोग होते हैं वो जो घर का बड़ा बूढ़ा होता है उसको कह देते ये मालिक है। तो बाबा जी कहते मैं कहता हूं ये मालिक वालिक नहीं है, तो नौकर का भी नौकर नहीं है। तो हमारे मालिक का घर कहाँ है, मालिक का कमरा कहाँ है, कहाँ मालिक रहते हैं? तो जो वैष्णव जन होते हैं, जिन्होंने सत्संग किया है, जिनको पता है कि इस घर का मालिक मेरा मालिक यदि कोई है तो हमारा ईश्वर है, तो जाकर अपने इष्ट का दर्शन कराते हैं ठाकुर द्वार में, कहा कि ये घर के मालिक है। घर के मालिक हम नहीं, घर के मालिक ये हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सचमुच में हम अपने को सबका मालिक बना रखे हैं, कि घर के मालिक हम हैं, संपत्ति के मालिक हम हैं। अभी नारायण जब तक हमारे चित्त में ये भाव नहीं आया है कि मैं उनका हूं, अभी तो स्नेह भाव में ही हमारा भाव नहीं पहुंचा है। साधो सावधान, मैं थोड़ा पकड़ी बात बोल रहा हूं, कोई नाराज मत होना। जो लोग बैंक के ब्याज पर अपना जीवन व्यतीत करने की आशा रखते हैं, जो लोग अपने पेंशन से अपनी जीविका चलाने की आशा रखते हैं, या अमुक जगह से हमको पैसा मिलेगा, अमुक व्यक्ति देगा, अगर ये भी आशा रखते हैं तो आप बुरा मत मानिएगा, ऐसे भक्त से भगवान मिलने में बहुत देरी लगेगी। हमारे महाराज जी तो कहते थे ऐसे लोगों को भगवान मिलेंगे ही नहीं। आपको लगे क्यों, क्योंकि भगवान पर इनका आश्रय नहीं है। हम तो बैंक के ब्याज पर आश्रय में जीते हैं कि बैंक ब्याज देगा, उससे हम खाएंगे, उससे हम जिएंगे। पेंशन आएगी और महाराज एक कई अभिमान भी बहुत हो जाता है, मैं तो किसी से कुछ लेता नहीं हूं। अरे बाबा, भगवत आश्रय हमारे जीवन में चाहिए। हमने कभी किसी से सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जीता हूं उसको कई बार। यहां वशिष्ठ गुफा है, कई लोगों ने दर्शन किया होगा। वशिष्ठ गुफा में हमारे शहंशाह राम तीर्थ रहते थे, बहुत वर्षों तक उनका निवास रहा। पुरानी बात है, कोई दिल्ली का उनका भक्त उनके पास में आया और आकर के देखा कि शहंशाह राम तीर्थ के पास में एक खप्पर के अतिरिक्त कोई पात्र नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास में, न कुछ बनाने की सामग्री है, न कुछ खाने की सामग्री है। वो भक्त ने पूछ दिया कि आपकी भोजन की व्यवस्था कौन करता है? तो महाराज जी के मुख से निकल गया गंगा मैया करती है। तो कहा कि वो गंगा मैया हमारी भी व्यवस्था करेंगे? का अवश्य करेंगे, कि बोलो हमारी माँ नहीं, तुम्हारी भी माँ है, जगत माँ है, वो सबकी व्यवस्था करेंगी, जो हमारी करती है तुम्हारी भी करेंगी। वो सज्जन कहा कि देखते हैं कि हमको भी खिलाती हैं कि नहीं। वो सज्जन सुबह से शाम तक बैठे रहे, न स्वामी जी को भोजन आया न वो सज्जन को भोजन आया, दोनों भूखे। सत्संग रात्रि में स्वामी जी से कहा कि महाराज आप तो कहते थे कि गंगा जी खिलाएंगे, यहाँ तो कुछ खाने को मिला नहीं, अब चूहे और कूद रहे।
नींद रात में और नहीं आएगी, तो कहा चलो गंगा मैया का पानी पी करके सोते हैं दोनों। फिर जब वो किनारे गए तो बोले सच सच बता सेठ, तेरे पास कुछ माल तो नहीं है? तो बोले महाराज थैले में कुछ रुपया तो रखा है, मैंने सोचा था कि गंगा माँ नहीं देंगी तो जाकर ऋषिकेश जाएंगे वहाँ कुछ खा लेंगे। तो बोले वो निकाल के ला, निकाल के ला करके दिया तो कहा सब गंगा जी में फेंक दिया। दूसरे दिन भी ठन ठन पाल तब भी कुछ नहीं आया। स्वामी जी ने कहा कि अभी भी तेरा कहीं अन्य आश्रय है? तो कहा महाराज जी एक सोने की जंजीर पड़ी है गले में, हमको लगा कि स्वामी जी ने ये तो पैसा भले फिकवा दिया है किंतु जंजीर तो है, इससे तो दिल्ली पहुंच जाऊंगा और खा भी सकूंगा कुछ। बोले वो भी निकाल, और वो भी गंगा जी में फेंक दिया। कुछ ही घंटे बीते थे, एक देवी श्वेत वस्त्र पहने हुए सामने आई और दोनों महापुरुषों को बैठाल कर प्रसाद पवाया। आश्रय हमारा कहाँ है? आश्रय यदि हम रुपये को बनाकर बैठेंगे, बच्चों को बनाकर बैठेंगे, बैंक को बना करके बैठेंगे, तो आप बुरा मत मानिएगा, आप जीवन भले बिता लो किंतु भगवान की नजदीकी आपको कहाँ मिलेगी? अभी जब तक पूर्ण आश्रय नहीं होता है तब तक अनुभूतियां होती भी नहीं है। हमारे ऊपर तो संतों की ऐसी कृपा रही, मैं कई बार उस कृपा का अनुशीलन करता हूं तो हृदय भर आता है। मुझे कभी किसी संत ने एक पाई पैसा कभी दिया नहीं, किसी भी संत ने। मैं सेवा खूब किया, मैंने आज तक किसी से कभी कुछ मांगा भी नहीं, अब तो मांगने का सवाल ही नहीं उठता है। किंतु मैं कई बार देखता, हमारे गुरुजी तो आश्चर्य लगता था मुझे, भागवत की मैं कथा करता था और जो कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे, मैं कथा करके जाता था तो कहते दक्षिणा कितनी मिली निकालो, तो मैं जैसे दक्षिणा देता था कहते ऊपर से कितना आया है तुम्हारे पास, भक्तों ने कितना दिया है वो भी ले लेते थे, पाई पैसा नहीं। मैं कई बार बुरा भी लगता था कि कभी जरूरत पड़े हमको और हमारे पास पाई पैसा नहीं है। एक दिन मैंने दुखित होकर ये बात कही उनको कि आप मेरे पास कुछ नहीं रखने देते और कुछ व्यवस्था करते भी नहीं हैं कि हमारे से लेकर के कुछ हमारी व्यवस्था भी करो। तो महाराज जी ने बड़े भाव में आकर के कहा कि जिस दिन तुम पैसा रखने लगोगे उस दिन न तुम इष्ट के रहोगे न गुरु के रहोगे, किसी और के हो जाओगे। भरोसा हमारा अन्य का हुआ, हम गए काम से। तो मैं घृतस्नेह की चर्चा कर रहा था कि प्रथम भाव ये आए मैं उनका हूं और वो हमारा पूरा ध्यान रखेंगे, मैं उनका हूं। मुझे कई बार तुलसीदास जी महाराज का वो दुआ मैं गुनगुनाता रहता हूं, तुलसी विलंब न कीजिए, तुलसी विलंब न कीजिए, भजिए राम सुजान। हमारे श्री राघव सुजान हैं, संसार तो अनजान है जी, वरना तो हमारे प्यार को जानता है, वो तो दिखावे के अलग संसार और क्या समझेगा। और हमारे श्री ठाकुर सुजान हैं, बाबा हमारे कहते तुलसी विलंब न कीजिए, भजिए राम सुजान, जगत मजूरी देत है क्यों राखे भगवान। आप कभी विचार करना कि आपके घर में कोई सेवक हो और ईमानदारी से सेवा करता हो तो पगार से ज्यादा देने का मन होता है कि नहीं। और हमारी माताओं का तो हमको पता है, अगर सेठ लोग पैसा उनका पगार न बढ़ाएं तो ये अपने खर्चे से चोरी से देती रहती हैं नौकर को, और ये एहसान नहीं करती उन नौकरों पर कि चोरी से दे रही तो एहसान कर रही हैं,
ये जानती हैं कि नहीं देंगे तो ये खिसक जाएगा, तो बर्तन अपने को धोने पड़ेंगे, ये बाबू तो धोएगा नहीं आकर के। तो महाराज चतुरता से किसी न किसी ढंग से सेवक का सब ध्यान रखते हैं, रखना भी चाहिए। तो क्या हमारे राघवेंद्र सरकार आपसे ज्यादा कंजूस हैं कि अपने सेवक का ध्यान नहीं रखेंगे? वह जरूर रखेंगे, इसलिए वो कि मैं उनका हूं। और मैं आप तो क्या कहूं आपको, मैं दोनों हाथ उठा करके आपके सामने एक बात कह देना चाहता हूं, अगर हो सके तो स्वीकार कर लेना, एक बार उनके हो जाओ, एक बार उनके हो जाओ। महाराज ऐसे रखेंगे जिस जिम बालक राखे महतारी। हम तो सच में जैसी व्यवस्था में रहते हैं, हमारे माँ बाप हमको नहीं रख सकते थे। यहां भूख बाद में लगती है, भोजन पहले आता है, और रोग बाद में आता है, दवा पहले आती है। अब इससे ज्यादा और व्यवस्था क्या हो सकती है? ठंड बाद में लगती है, कपड़े पहले आते हैं। प्यास बाद में लगती है, पानी कोई लेकर पहले खड़ा होता है। ये भाव आए, स्नेह की पहली दशा है ये। हमारी श्री किशोरी जी तो दसवें स्थिति पर हैं, पहली स्थिति आए ये घृत स्नेह की कि मैं उनका हूं, केवल उनका हूं, मेरे अतिरिक्त, मेरे ऊपर उनके अतिरिक्त अब किसी का अधिकार नहीं है, उनका अधिकार है। और ये स्थिति जब आपकी बनने लगी कि मैं उनका हूं, ये घृत स्नेह है, और बाद में इससे ऊपर बढ़ेंगे तो होगा मधुस्नेह। मधुस्नेह में क्या स्थिति होती है? मधुस्नेह में अब लगने लगता है कि वे मेरे हैं, पहले हम उनके हैं, अब वो मेरे हैं। ये मदीयता का भाव आता है कि मेरे हैं वो, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं। और जब श्री किशोरी जी को यही लगता है कि श्याम सुंदर मेरे हैं, और नारायण, जब ये और घनी भाव भाव होता है, तो जहां मेरेपन का भाव होता है वहां पर उसी के प्रति मान होता है। अगर वो मन के अनुकूल व्यापार न करें या अपना ध्यान न रखें तो फिर मान होता है। हमारे पूज्य महाराज जी ने सुनाया कि श्री भाई श्री जी के साथ में थे रतनगढ़ में, कुछ ग्रंथ का लेखन चल रहा था, तो वो भाई श्री की धर्मपत्नी माता जी भाई श्री से किसी बात पर नाराज थी, तो उनकी बेटी से महाराज जी ने पूछा, भाई श्री की बेटी से, कि माँ नाराज क्यों है, आज क्यों रूठी है, बात नहीं कर रही है? तो उन्होंने कहा कि पिताजी के कारण रूठी है, क्या गलती हो गई इनसे, क्यों रूठी है? तो बोले, समय से भोजन नहीं करते हैं, समय से सोते नहीं हैं। अब ये जो रूठना है ना, ये जो मान है, ये अपने लिए नहीं है। अगर समय से भोजन नहीं करेंगे तो रोगी बन जाएंगे, समय से सोएंगे नहीं तो ठीक नहीं होगा स्वास्थ्य के लिए। तो ये जो मान है ना, ये धीरे धीरे एक मधुस्नेह ही जाकर के मान के रूप में परिणित हो जाता है। अगर वो भोजन नहीं करेंगे तो हमको भी मतलब नहीं है कोई। ऐसा नहीं कि बोल दिया कि हमको मतलब नहीं है तो मतलब नहीं है। ये मान का जब भाव आता है तब ये निश्चित रूप होता है कि व्यक्ति के चित्त में लगता है कि इन पर मेरा अधिकार है। और सचमुच में नारायण, रूठा तो उसी से जाता है जिससे आशा हो कि ये मना लेगा।
और जहां आशा ही नहीं हो मनाने की तो उससे रूठना क्या, उससे तो व्यर्थ हो जाएगा रूठना। और महाराज धीरे धीरे ये मान प्रणय का रूप धारण करता है और फिर राग का नयन रूप धारण करता है। राग का अभिप्राय रंजनम, रागा तो है ही, यहां राग जब होता है ना तो राग में महाराज 10 लक्षण शरीर में घट, 8 पहले फिर 2 बाद में। हमारे जीवन में राग है कि नहीं, निश्चित रूप से हमारे जीवन में राग है कि नहीं, इसकी पहचान का राग जब श्री श्याम सुंदर के साथ होता है तो राग में कभी आंसू आने लगते हैं, ये राग का लक्षण है। आपको बैठे बैठे कोई बात स्मरण में आ जाए और आंसू आ जाए, कभी शरीर में कंप हो जाता है, एकदम रोमे खड़े हो गए, पुलक हो जाता है, कई बार अकारण ही महाराज कोई बात नहीं है, पसीना आ गया, स्वेद आ गया, बेचैनी बढ़ गई, और कई बार स्वर भंग हो जाता है, बोलने लगे तो स्वर भंग हो गया, कई बार तो ऐसे जैसे स्तंभ है, खंभे के समान खड़ा हो गया, या बैठा है तो न हिल रहा है न डुल रहा है, स्तंभ के समान हो गया। और बाद में तो ऐसा लगता है ये प्रलय का भाव आता है। इस प्रकार से महाराज जब ये राग आता है, राग के बाद इसको महाराज अनुराग है, राग का अनुगमन करने वाला। हमारे महर्षि तो कहते हैं कि राग के इस भाव को की अधिकारिणी श्री किशोरी जी हैं। देखो ध्यान रखना, यशोदा मैया हैं, श्री किशोरी जी हैं, यशोदा कोई दूसरी नहीं बन सकती है, यशोदा यशोदा ही रहेंगी। हाँ कोई अनुराग कर सकता है यशोदा जैसे भावों को, जी सकता है, किंतु यशोदा नहीं बन सकता है। ऐसे कोई भी, आजकल तो बड़ी विडंबना है, क्या कहा जाए लोगों को, एक हमारे शायद इंजीनियर थे या कोई बड़े पद पर थे अपने लखनऊ के, उन्होंने वो कहा हम राधा हैं, पुलिस में थे, हे भगवान, और DIG थे, और एक कई और भी हैं बंबई में, वो भी राधा हैं। ये राधा बनना कोई सामान्य खेल है? ये 5 भौतिक शरीर वाले राधा बन जाएंगे? राधा के भाव के समीप पहुंचना भी कोई प्राणी का सामान्य खेल नहीं है। राधा जिस भाव में विराजमान है, नारायण आपको क्या कहे, राधा बनना तो बहुत दूर की बात है, हमारे हृदय में सामान्य गोपी का भी भाव आ जाए वो भी किसी कृपा का ही खेल होगा। और जिसके चित्त में गोपी भाव आगा वो अपने को दिखाता नहीं घूमेगा कि मैं गोपी भाव में स्थापित हूँ। महाराज हम देखते हैं कई भाव जब उदित होने लगते हैं साधकों के जीवन में तो छुपाते हैं, उनको छपाना पसंद नहीं है। तो कोई भी राधा बनना किसी के बस का नहीं, राधा राधा ही हैं, राधा तो साक्षात राग स्वरूपा ही हैं। वो जैसे राग स्वरूप का अभिप्राय यह है कि रग रग में राग है, वो राग की ही साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। यशोदा माँ की ही साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, उनका कोई अभिनय नहीं किया जा सकता, उनके रूप में कोई पहुंच नहीं सकता है। मुझे तो कई बार ये अपराध भी लगता है, ये जो इस ढंग के भावोत्पन्न करते हैं वो अपने ही अपराधी हैं, दूसरों के अपराधी की तो बात छोड़ दीजिए, अपने ही अपराध के रूप में जी रहे हैं वो। क्योंकि इन भावों का कभी आप अनुशीलन कीजिएगा, मैं तो कहता हूँ यदि प्रेम को भी किसी को समझना हो तो उद्धव संदेश पढ़ लीजिएगा, छोटा सा ग्रंथ है गीता प्रश का, मैंने तो बहुत सारे ग्रंथ कम से कम 200-250 ग्रंथ लोगों को लेकर बांटे हैं, छोटा सा ग्रंथ है। मैं सच कहता हूँ, मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ इसलिए नहीं,
मैं तो निसंकोच में कई बार बोलता हूँ, गीता प्रेस का सनातन समाज चिरऋणी रहेगा। जब तक हिंदू संस्कृति रहेगी तब तक इस प्रेस के लोग ऋणी रहेंगे इन महापुरुषों के। निष्पक्ष बात, कोई संप्रदायवाद नहीं है। यहां संप्रदायवाद से प्रभावित होकर के ग्रंथ प्रकाशित नहीं किया जाता या अर्थ कोई ऐसा हो। मैं उस ग्रंथ को कितनी बार पढ़ चुका हूं, संदेश को कितनी बार, अभी भी मैं रोज पढ़ता हूं थोड़ा थोड़ा। आज मैं उन भावों का अनुशीलन कर रहा था, अद्भुत अद्भुत वैलक्षण का प्रयोग किया गया उस ग्रंथ में ही इन भावों का। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार से आपके जीवन में राग का दर्शन करेंगे, अनुराग आएगा और अनुराग के बाद नारायण भाव आएगा, और भाव की स्थिति में जब आप बैठेंगे तो धीरे धीरे फिर आपके जीवन में महाभाव का महाराज प्रकाश होगा। महाभाव में भी एक रूढ़ एक अतिरूढ़, और जो अतिरूढ़ भाव है उस अतिरूढ़ भाव में भी दो भाव हैं, एक मोदन भाव है एक मादन भाव है, मोदन भाव और एक मादन भाव। और इसमें भी जो महाराज मादन भाव है, ये भाव की सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट दशा मादन भाव। और इस मादन भाव में जब चित्त स्थापित होता है उस समय जो अपने वाणी से कोई बात निकलती है उसका नाम होता है चित्र जल्प। और चित्र जल्प में भी विभाग है 10, और इन 10 विभागों को ही मानो श्री किशोरी जी के मुख से जो निकला है गीत, उस गीत का नाम है भ्रमर गीत। ये भ्रमर गीत में 10 भाव है। और महाराज इस किस स्थिति में आप जरा इसका चिंतन कीजिए। काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायंतीम कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितम दूतम। काचिन, काचिन का अभिप्राय यहां अर्थ किया गया है श्री किशोरी जी का, सुखम आसमंतात, सुख की जो पराकाष्ठा है श्री कृष्ण, आनंद की पराकाष्ठा जो है श्री कृष्ण, उनके चिंतन में जो सतत लीन है वो काचिन है। कई आचार्य चरण तो कहते हैं श्री किशोरी जी महादशा में हैं, महाभाव दशा में, और उस समय ये हुआ कि श्री कृष्ण उनके समीप ही है, और श्री कृष्ण समीप हैं किंतु किसी बात से श्री कृष्ण से श्री किशोरी जी नाराज हो गई, मान कर लिया। महाराज बड़ा विलक्षण कवि आप ब्रज के, अब तो वो पुरानी परंपराएं जा रही हैं, कभी कभी इन भावों का दर्शन रासलीला में रसिक जन कराते थे। मैं कभी लीला देख रहा था वृंदावन में कुछ वर्ष पहले, संयोग से उस लीला का उद्घाटन करने के लिए मुझे बुलाया था। मैं तो अभी जा नहीं पाता हूँ, ऐसे जला समय नहीं मिलता, सेवा के कारण भी और चिंतन के कारण भी। तो संयोग से होली में लीला हो रही थी, तो उस दिन होली लीला का ही दर्शन कराया, और जब होली लीला का दर्शन कराया तो श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी जी से पूछते हैं कि फागुन का महीना आ गया है और श्यामा जू अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं होली खेल लूं। किशोरी जी ने कहा कि हमारी आज्ञा है, आप होली खूब खेलें, किंतु एक बात ध्यान रखें, चाहे कोई भी गोपी आपके ऊपर रंग लगाए कोई बात नहीं, आपको पिचकारी से रंग डाले कोई बात नहीं, किंतु आप किसी गोपी को नहीं लगाओगे, आपका हाथ किसी गोपी के कपोल पर नहीं जाना चाहिए। श्याम सुंदर ने कहा कि जो आज्ञा,
होली प्रारंभ हुई, श्री किशोरी जी भी थी, किंतु श्याम सुंदर ने एक सखी के कपोल में गुलाल रगड़ दिया। अब जो गुलाल रगड़ा तो श्री श्यामा जी कुपित हो गई और मुंह फेर करके बैठ गए कि अब हम ये होली का दर्शन भी नहीं करेंगी। और श्याम सुंदर मनाने लगे। महाराज इतना मनाया उन्होंने, वो किशोरी जी भी बामा बन करके कभी इधर मुड़ जाएं कभी उधर मुड़ जाएं। मनाने में तो हमारे श्री कृष्ण बहुत चतुर हैं, चतुर शिखामणि हैं, उनको क्या कहा जाए। बड़े अलग अलग विधि से मनाया, कान पकड़ा, हाथ जोड़ा, सब कुछ जो जो विधियां हो सकती हैं मनाने की। भागवत में तो लिखा है कि जब प्रेसी नाराज हो जाए तो कैसे मनाना चाहिए, वो मैं सुनाऊंगा नहीं। चतुर्थ स्कंध में पुरंजनोपाख्यान में कि पुरंजन पुरंजनी को कैसे मनाता है, तो हमारा सारी विधियां कर करके हार गए। फिर बाद में श्याम सुंदर चले गए और एक सखा को भेजा। वो सखा आकर के प्रार्थना करता है कि श्यामा जू आप मान जाओ और ये संदेश आपके गली के गुलाम ने भेजा है, आपका गुलाम नहीं, आपके गली के गुलाम ने। तो वहाँ ब्रजवासी लोग एक जय जयकार बुलाते हैं, श्यामा जू के गली के गुलाम की जय, गली के गुलाम की जय। तो कहा कि आपके गली के गुलाम ने संदेश भेजा है। श्री किशोरी जी और रूठ गई कि कोई मनाने के लिए प्रेसी को कोई सेवक भेजता है, ये कौन सा तरीका है। फिर श्याम सुंदर स्वयं आते हैं, फिर मनाते हैं, फिर किशोरी जी मान जाती हैं, फिर होली होती है। तो ये तो प्रत्यक्ष लीला है, किंतु प्रेमी के चित्त में अप्रत्यक्ष लीला भी चलती रहती है। वियोग में कई दशाएं हैं, कल मैं उसका निरूपण करूंगा। कई बार संयोग में वियोग हो जाता है, कई बार वियोग में भी संयोग हो जाता है, प्रेम की बड़ी विलक्षणता है। कई बार अपने पास प्रीतम है और प्रीतम होने के बाद भी ऐसा लगता है कि प्रीतम हमें छोड़कर चले गए। राधा सुधा निधि में बड़ी मधुर एक संकेत है, श्याम सुंदर निकुंज में विराजमान है और निकुंज में विराजमान अकस्मात एक भ्रमर घुस गया और वो निकुंज से भ्रमर निकले ही नहीं। सखियां बार बार उस भ्रमर को हटाना चाहें किंतु वो भ्रमर किशोरी जी के कभी मुख में बैठ जाए, कभी उनके हाथ में बैठ जाए, कभी चरणों में बैठ जाए। किशोरी जी बार बार परेशान हैं, सखियां बार बार निकाल रही हैं। बाद में एक चतुर सखी ने अपने उत्तरी का सहारा लेकर के और उस भ्रमर को निकुंज के बाहर किया और बड़ी खुश होकर के आकर के बोली, श्यामा जू स्वामिनी जू मधुसूदन गया, भ्रमर गया। और श्री किशोरी जी ने जो सुना कि मधुसूदन गया तो उनको वियोग हो गया, और रोने लगी कि हाय श्याम सुंदर तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए, तुम्हारे बगैर तो हमारा जीवन ही नहीं है। श्याम सुंदर जब उनके महाराज हाथ रखते हैं तो उनको लगता है कि पांच पांच फण वाला ये सर्प हमको स्पर्श करता है किंतु काटता क्यों नहीं है, हमारा प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। श्याम सुंदर बार बार कहते हैं, श्यामाजू मैं तुम्हारे सन्मुख हूं, तुम्हें छोड़ करके मैं गया नहीं हूं, तुम मेरी ओर एक बार निहारो, किंतु वो निहार नहीं रही हैं, बस वियोग में अलाप कर रही हैं। किंतु चतुर सखी समझ गई कि श्रवण के कारण ही इनको वियोग हुआ है, तो श्रवण के कारण ही इनको संयोग होगा। तो वह सखी आकर के बोलती है, स्वामिनी जू मधुसूदन आ गए, जो कहा मधुसूदन आ गए। तो आंख खोला तो श्याम सुंदर सम्मुख ही थे। ये संयोग में वियोग और वियोग में संयोग, जो दसम स्कंद का 90वां अध्याय अंतिम अध्याय उसमें पटरानियों को है, आप पढ़िएगा, उसमें पटरानियां कैसे कैसे
कि संयोग में उनको वियोग होता है, वियोग में भी संयोग हो जाता है। तो काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायंतीम कृष्ण संगमम, ये ध्यायंतीम कृष्ण संगमम, ये सखी माननी जी श्री श्यामा जू स्वामिनी जू ध्यान में ये चिंतन में थी कि श्री कृष्ण मेरे समीप हैं और श्री कृष्ण के साथ हमारा समागम हो रहा है, बातचीत हो रही है और मैं उनसे मान करके बैठी हूँ, उनके मनाने पर भी मैं मान नहीं रही हूँ, वो बार बार अनेकानेक विधि से मुझे मना रहे हैं और जब मैं उनसे मानी नहीं तो वह जाने के बाद वहाँ से चले गए और जाने के बाद प्रिय प्रस्थापितम दूतम, अपने प्रिय ने दूत को भेजा है या कल्पना करके वेद मब्रवीत जान करके विद्ज्ञाने जान करके बोलना प्रारंभ करती हैं। और जो बोलना प्रारंभ करती हैं नारायण, उसी का नाम है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत का जो 10 श्लोक है इसमें चित्रजल्प की भाव दशा का इसमें वर्णन है 10 प्रकार की। तो पहला भाव इसमें प्रज्जल्प के रूप में है और प्रज्जल्प का जो भाव होता है असुयेस्यामिद युजाम यो महाराज, उसमें 3 बातें होती हैं, एक तो असूया होती है, एक ईर्षा होती है, एक मद माने अभिमान होता है। इस भाव में असूया, ईर्षा और मद 3 भाव मिश्रित है और इस श्लोक में तीनों भावों का दर्शन होता है। असूया का अभिप्राय होता है कि गुणों में दोष का दर्शन है तो गुण, किंतु उसमें भी दोष निकाल देना। ईर्षा का अभिप्राय महाराज दूसरे के सुख को, दूसरे के आनंद को देखकर दुखित हो जाना, और मद तो अभिमान के रूप में है ही। तो श्री माननी जी कहती हैं मधुपकितब बंधो माश प्रशांग्रिम सपत्न्याहा कुछ बिलुलित माला कुंकुमस मश्रुभिर्नः बहत मधुपतिस्तन माननी नाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्यम यस्य दूतस्त्वमी दृक्। मधुप कितब बंधो, मधुप का अभिप्राय तो भवरा है किंतु मधुपान्तीति मधुपः, जो शराब पिए मधु का पान करे, मधु माने शराब भी है क्योंकि जहाँ शराब मिलती है वहाँ लिखा रहता है मधुशाला। तो यहाँ मधुप का अभिप्राय अय शराबी, तू तो कितव बंधु है, कपटी का मित्र है। कपटी का अभिप्राय कितव शब्द का अर्थ कपटी ही है। कितव को सीधे साधे शब्दों में प्रयोग किया जाए तो जैसे आप हमको कभी मिल जाओ रास्ते में और आप कहो कि महाराज आप कहाँ रहते हो, तो मैं कहूँ वृंदावन में, तो कहा कभी आना हो तो अपना एड्रेस दे दो, तो मैंने देखा कि आपकी जेब में पेन है, तुमने कहा पेन देना मैं लिख देता हूँ, आपने पेन दिया और आपके कागज में मैंने लिख करके आपको ही दे दिया किंतु पेन अपनी जेब में रख लिया। और अपनी जेब में रखने के बाद थोड़ी देर के बाद आपने कहा कि महाराज जी पेन देंगे क्या, तो मैं निकाल करके आपको दिखा कर कहूँ किन तव, क्या यह तुम्हारा है क्या, तुम्हारी ही वस्तु तुमसे लेने के बाद फिर तुमको दिखा करके तुमसे पूछें ये तुम्हारी है क्या, इसका अर्थ ही कितव है अथवा कपटी है जी, कपटी के मित्र हो, हिंदी भाषा में तो कपटी ही कहेंगे, सच्चाई पर जो पर्दा डाल देता हो, पटमाने पर्दा ही है। तो कहा आप कपटी के मित्र हो,
माँ स्प्रंग महाराज मेरे पैरों को मत छू, स्प्रंग महाराज स्प्रशांग्रिम माँ मेरे पैरों को मत छुओ। ये भौरा आकर के श्री किशोरी जी के श्री माननी जी के चरणों में बैठ गया था तो कहा मेरे पैरों को मत छुओ। एक रसिक संत ने तो बड़ा रसीला लिखा है, ये मान है, कहा कि तुम हमारे पैरों को कोई साधारण पैर समझते हो, ऐसे आकर तुम्हारे जैसे पापी लोग शराबी लोग हमारे पैरों में आकर बैठ जाएंगे, इनको पैरों में बैठने का अधिकार है, जो श्री कृष्ण हैं जाने कितनी बार हमारे पैरों को छोकर अपने पापों को धोया है, तो यहाँ तो कोई हमारे पैरों में बैठ भी जाता है तो वो पवित्र हो जाता है, इसलिए तुमको हमारे पैर ये मान है। इतने में क्या हुआ, भ्रमर उड़ा और उड़ करके दूसरी गोपी की तरफ बढ़ा तो कहती सपत्न्या, अरे जैसे मैं उस कपटी से सताई हूं वैसे ये भी सताई हुई है, केवल मैं ही नहीं मेरी सौत है ये, मेरे जैसे ही दुखित है ये। सपत्न्या अथवा जी सपत्न्या का अन्वय इधर करोगे तो भ्रमर ने मानो पूछ दिया कि माननी जी आप मुझे प्रणाम का अधिकार क्यों नहीं दे रही हैं और मुझे शराबी क्यों कह रही हैं, मैंने कौन सी मदिरा पी है, मुझे क्यों शराबी बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि शराबी न होते तो ऐसी वेशभूषा में तुम नहीं आते, ऐसे स्थिति में तुम नहीं आते, ये तुम्हारा मस्तिष्क देखकर पता है कि तुमको नशे में हो तुम, मेरी कौन सी ऐसी वेशभूषा है जो तुम कह रहे हो कि ऐसी वेशभूषा में नहीं आते। बोले सपत्न्या कुछ बिलुलित माला, बात यह है कि जो हमारी सौते हैं मथुरा में वो अपने वक्षस्थल में लगाती हैं कुमकुम केसर, और वो कपटी जो हमसे कहता था कि इस दुनिया में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, वही हमको छोड़ करके अब उन माननीयों के साथ मिल रहा है, और इसका प्रमाण पत्र तुम हो, क्योंकि तुम्हारे मुख में तुम्हारी मूछों में जो केसर लगा हुआ है ये केसर कश्मीर से तो आए नहीं हो तुम, कि कश्मीर से आए हो तो केसर लगा के आए हो, ये केसर तुमको मिला कहाँ से, मैं जानती हूँ। हमारी माननीयों के साथ हमारी सौतों के साथ वो मथुरा में मिलते हैं और उनके वक्षस्थल में लगा हुआ कुमकुम जब अति महाराज आलिंगन में होते हैं श्याम सुंदर तो वो अंगराग कुमकुम उनकी माला में लग जाता है और तुम उनके सखा हो, जब उस माला में तुम बैठते हो तो तुम्हारे मूछों में लग गया है। अच्छा तुम उनकी करतूत बताने आए हो कि वहाँ क्या करते हैं, याद रखो ये जाकर के प्रसाद जो तुम यहाँ बांटने आए हो कुमकुम का केसर का, ये प्रसाद उन्हीं माननीयों को बांटो जिनका है, मुझे नहीं चाहिए। बहुत मधुपतिस्तन माननी नाम प्रसादम, ये मधुपति की माननीयों का प्रसाद उन्हीं को, जो महाराज उमानिया बार बार उन्हीं के हाथ जोड़े खड़े रहते हैं मनाते रहते हैं उनको, ये जाकर प्रसाद जो तुम ढो करके लाए हो ये यहाँ नहीं काम आएगा, वहीं बांटो। और एक बात और कह दूँ, तुम्हारे जैसा मित्र जिसको मिलेगा उसकी विडम्बना होगी। क्यों भाई, मित्र का परम कर्तव्य होता है कि मित्र के दुर्गुणों को छुपाए और सद्गुणों को प्रकाशित करे। सेवक का भी ये कर्तव्य होता है कि अपने स्वामी के दुर्गुणों को छुपा करके सद्गुणों को प्रकाशित करे, और तुम ऐसे सेवक हो कि उनके दुर्गुणों का ढिढोरा पीटते घूम रहे हो, वो क्या करते रहते हैं वहाँ वो सबको बताते घूम रहे हो। यदु सदस्य विडम्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्, ये तुम्हारे जैसे दूत से मिलने के बाद यही परिचय मिलेगा। ऐसे इन भावों को हमारे श्री किशोरी जी महाराज जी रही, प्रजल्प के भाव को शेष भाव कैसे वो जी रहे उसकी चर्चा करेंगे। प्रयास तो ये होगा कि ठाकुर जी जैसे चाहे कि कम से कम ये 10 श्लोक तो आज एक हो गया है, 10 श्लोक पूरे हो जाए भ्रमर गीत के, क्योंकि 3-4 दिन ही 3 दिन शायद समय अभी 3 दिन ही रह गया है, 3 दिन ही रह गया है, तो प्रयास ये करेंगे कि ये श्लोकों की चर्चा हो।
क्योंकि बहुत रसीले हैं, जल्प उज्जल्प संजल्प आदि भावों को जो श्री मानिनी जी ने जिया है, वह भाव के कम से कम हमको दर्शन हो सकें। हम तो उस भाव के कभी जीने के अधिकारी नहीं हैं, कम से कम उस भावों का दीदार कर सकें, उनका दर्शन कर सकें, उनकी कृपा से यही हो सकेगा। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणों में समर्पित। एक बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, यह हर साल होता है यहाँ, और सचमुच में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को यज्ञोपवीत पहनना चाहिए और गायत्री का भी जप करना चाहिए। इसमें भक्ति का कहीं अवरोध होता नहीं है, निष्काम कर्म का भी अवरोध नहीं होता, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और हमारे यहाँ अपने गीता भवन की ओर से प्रत्येक वर्ष यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, अब की बार भी 28 मई को यह रखा गया है। तो जिनके न हुए हों यज्ञोपवीत वो करवा लो और नाम लिखा लो। और संयोग से नारायण अगर आपके यहाँ बच्चे हों तो उनको भी बुलाकर इस बार नहीं तो अगले बार यज्ञोपवीत संस्कार तो होना ही चाहिए। अगर संस्कार नहीं है तो नारायण हम संस्कृत हैं ही नहीं, संस्कारवान ही भगवान की ओर बढ़ पाता है। तो हम सब भगवान की ओर बढ़ें, सुख शांति की ओर बढ़ें, ये हमको सहज में लाभ मिलता है। नहीं तो यज्ञोपवीत संस्कार वैसे करवाने जाओ तो कम से कम 11,000 तो ब्राह्मण को दक्षिणा देनी पड़ेगी, उसके बाद सारी पूजन सामग्री। हमने तो ईश्वर की कृपा से जो भागवत की पहली कथा हमारी हुई उससे जो हमको दक्षिणा मिली थी, उस समय मैंने 27 ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया बच्चों का उसी दक्षिणा से। और मैं प्रत्येक वर्ष प्रयास करता हूँ कि ब्राह्मण जितने महाराज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कृत हों, जिससे गायत्री पढ़ें। अरे गायत्री जो हमारा त्राण करे, रक्षण करे, तब हमको जब तक यज्ञोपवीत नहीं तब तक गायत्री जपने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। तो वेद पढ़ने का अधिकार मिले, गायत्री जपने का अधिकार मिले, इसलिए ये जो संस्कार यहाँ से दिए जा रहे हैं आप लोग जरूर इसका लाभ लें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।